हेलो दोस्तों, 8 स्टॉक्स की बात करेंगे जिनकी डिविडेंड डेट पास आ रही है। अगर ये डेट्स अगर आप मिस कर जाते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब ये जो 8 स्टॉक जो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, ये लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स हैं दोस्तों, तो इनका जरूर ध्यान रखिएगा। हमने उन्हीं को ही यहां पर फिल्टर किया है। शुरुआत करते हैं कोल इंडिया से। अभी आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, ये मैं 16 फरवरी का मैं डे एंड प्राइस में बता रहा हूं। एनएससी का 163.85 है। उन्होंने कोल इंडिया ने 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। ये है एक्स डिविडेंड डेट जो कि 21 फरवरी है। अब मैं एक्स डिविडेंड डेट पर जल्दी से आपको बता दूं, एक्स डिविडेंड डेट के दिन अगर आप स्टॉक खरीदते हैं या उसके बाद आप स्टॉक खरीदते हैं तो डिविडेंड के लिए अगर आप खरीदते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी के भी जब वीडियोस जब स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और ऑलरेडी अगर आपके पास लेट से स्टॉक है और आपने नहीं बेचा है एक्स डिविडेंड डेट तक, तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि 21 तारीख है, सोमवार का दिन है, तो उससे एक दिन पहले, जो भी एक दिन पहले नहीं, इनफैक्ट जो फ्राइडे का जो सेशन रहेगा वो आखिरी सेशन रहेगा डिविडेंड के लिए, अगर आपको एलिजिबल होना है तो इसको ध्यान में रखना है। पेमेंट जो है 11 मार्च 2022 को हो जाएगी कोल इंडिया का, जो 5 रुपए का डिविडेंड है। दूसरा नाम हीरो मोटोकॉर्प। स्टॉक प्राइस देखेंगे 2,272 रुपीज के आसपास है और 60 रुपीज का डिविडेंड हीरो मोटोकॉर्प ने डिक्लेयर किया हुआ है। एक्स डिविडेंड डेट सेम कोल इंडिया की तरह 21 फरवरी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगली चीज, पेमेंट 12 मार्च तक ये हीरो मोटोकॉर्प का भी जो पेमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा नाम है, बड़ा नाम है, पीएसयू नाम है, ओएनजीसी। शेयर प्राइस आप देखेंगे 168.5 रुपीज है और जो डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है इस बार 1.75 रुपीज का डिविडेंड है। उनकी भी जो एक्स डिविडेंड डेट है फेब्रुअरी 21 है दोस्तों। एक्स डिविडेंड डेट पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। पेमेंट 12 मार्च या उससे पहले ओएनजीसी के भी डिविडेंड का हो जाएगा। चौथा नाम क्या है, कमिंस 954.55। इसका स्टॉक प्राइस है 8 रुपए का। कमिंस ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। मिड कैप कंपनी है, 21 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है और पेमेंट 9 मार्च तक हो जाएगा। अगला नाम सुंदरम फास्टनर्स, 857 का स्टॉक प्राइस है, 6.45 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। 21 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है। बहुत सारे 21 फरवरी के नाम आ रहे हैं दोस्तों। और जो पेमेंट है मार्च 4, 2022 तक हो जाएगा। अगला नाम कौन सा है, एनएचपीसी है दोस्तों। शेयर प्राइस लगभग 30 रुपए के आसपास है। एनएचपीसी का मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड देखेंगे 1.31 रुपीज का उन्होंने डिक्लेयर किया है और एक्स डिविडेंड डेट इस बार कुछ अलग लग रही है, 22 फरवरी है एनएचपीसी की एक्स डिविडेंड डेट। अगला नाम है ऑयल इंडिया। शेयर प्राइस देखेंगे 230-231 रुपीज के आसपास है। ऑयल इंडिया ने जो डिविडेंड है इस बार 5.75 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। एक्स डिविडेंड डेट 22 फरवरी है। फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, एक्स डिविडेंड डेट से पहले स्टॉक होना चाहिए या उनके एक दिन पहले अगर आप शेयर खरीदते हैं तो ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक्स डिविडेंड डेट 22 फरवरी और जो पेमेंट है 13 मार्च या उससे पहले ऑयल इंडिया की तरफ से जो डिविडेंड है उसका पेमेंट हो जाएगा। अगला नाम है पावर फाइनेंस या पीएफसी, 120.45 है, 120 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। डिविडेंड इस बार देखेंगे, इनफैक्ट ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड है, 6 रुपए का डिविडेंड है और 25 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है पावर फाइनेंस की। पेमेंट 12 मार्च या उससे पहले हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 8 नाम यहाँ पर डिस्कस किए। आपका कौन सा फेवरेट नाम है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहते हैं, इंफॉर्मेटिव एनालिटिकल भी वीडियोस चलते रहते हैं, नई थीम्स ट्रेंड्स को हम समझते रहते हैं, लर्निंग पर फोकस रहता है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वैल्यू मिलती रहे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।